हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू बिंस बायोलॉजी इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट सम मोस्ट टास्क क्वेश्चन फ्रॉम जिम्नोस्पम सो स्टेट एंड वाच दिस वीडियो सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन आर जिम्नोस्पम हैं क्या होते हैं जिम्नोस्पम इसके लिए ऑप्शन ए हैं डाइकॉट ऑप्शन बी सीडेड प्लांट्स ऑप्शन सी सीड प्लांट्स एंड ऑप्शन डी आल ऑफ दीज ये क्वेश्चन पीजीटी टी 2011 में पूछा गया था तो चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आल ऑफ डीज जिम्नोज डायकार्ड होते हैं सीडेट होते हैं क्वेश्चन नंबर टू कोरेड रूट्स आर फाउंड इन कोलिलोइड जड़ें पाई जाती हैं किस में पाई जाती हैं कोलाइड रूट ऑप्शन ए ड्रायोप्टेरिस ऑप्शन बी साइकस ऑप्शन सी लाइकोपोडियम एंड ऑप्शन डी पाइनस ये क्वेश्चन डिजिटी बायोलॉजी 2005 में पूछा गया था तो चलिए इसका आंसर बताइए चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी साइकस साइकस में कोरिलाइड रूट पाई जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री प्रोफेसर डी डी पंत है डी डी पंत ने अनावृत बीजी को बांटा है इसके लिए चार ऑप्शन दिया जाता है ऑप्शन ए थ्री डिवीजन ऑप्शन बी फोर डिवीजन ऑप्शन सी सिक्स डिवीजन एंड ऑप्शन डी एट डिवीजन ये क्वेश्चन डिजिटी बायोलॉजी दो हजार दस में पूछा गया था तो चलिए इसका आंसर बताइए चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थ्री डिवीजन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर साइकस रिवल्यूटा इज वाइडली ग्रोन एज साइकस रिवल्यूटा बौधा उगाया जाता है इसके लिए चार ऑप्शन है ऑप्शन ए टिम्बर यार्डिंग प्लांट ऑप्शन बी ऑयल यार्डिंग प्लांट ऑप्शन सी ऑर्नामेंटल प्लांट एंड ऑप्शन डी मेडिसिनल प्लांट ये क्वेश्चन एजीटी बायोलॉजी 2010 में पूछा गया था तो चलिए इसका आंसर बताइए चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑर्नामेंटल प्लांट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव द एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज जिम्नोस्पर्म में ब्रूड भ्रूणपोष होता है कैसा एंडोस्पर्म होता है जिम्नोस्पर्म का इसके लिए ऑप्शन ए है हेप्लॉइड ऑप्शन बी ड्रिप्लोइड ऑप्शन सी ट्रिप्लोइड एंड ऑप्शन डी पॉलिप्लोइड ये क्वेश्चन यूपीएससी 2015 में पूछा गया था तो चलिए इसका आंसर बताइए चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हेप्लॉइड जिम्नोस्पम का एंडोस्पर्म हैप्लोइड होता है सिंगल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स द मोस्ट मेडिसिनली इंपॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म इज औषधीय रूप से सबसे महत्वपूर्ण जिम्नोस्पर्म है कौन होता है सबसे महत्वपूर्ण जिम्नोस्पर्म इसके लिए ऑप्शन ए है इफेड्रा ऑप्शन बी पाइनस ऑप्शन सी साइकस एंड ऑप्शन डी जिंकगो ये क्वेश्चन दो बॉटनी 2002 में पूछा गया था तो चलिए इसका आंसर बताइए चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर इफेड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेन सागो ग्रीन्स आर ऑप्टेड फ्रॉम साबुदाना प्राप्त किया जाता है किससे साबुदाना प्राप्त किया जाता है इसके लिए ऑप्शन ए है मॉस ऑप्शन बी फर्न ऑप्शन सी पाइनस एंड ऑप्शन डी साइकस ये क्वेश्चन डिजिटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया था तो चलिए इसका आंसर बताइए चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी साइकस साइकस से साबुदाना प्राप्त किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट लिप्स आर क्वाइल्ड इन तरुण पत्तियां कुंडलित होती हैं इसके लिए चार ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए साइकस ऑप्शन बी फर्न ऑप्शन सी मार्सिलिया एंड ऑप्शन डी आल ऑफ दिस ये क्वेश्चन डिजिटी बायोलॉजी दो हजार तेरह में पूछा गया था तो चलिए इसका आंसर बताइए चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आल ऑफ दिस सब में यंग स्लीव क्वाल्ड होती है साइकस फन एंड मार्सिलिया में क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ दी फॉलोइंग डू नॉट प्रोड्यूस्ड बाय पाइनस स्पीसीज निम्नलिखित में से कौन पाइनस की प्रजातियों से उत्पन्न नहीं होता है कौन नहीं होता उत्पन्न इसके लिए ऑप्शन ए है पाइनवुड ऑप्शन बी सागो ऑप्शन सी चिलगोजा एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस ये क्वेश्चन पी बॉटनी 2011 में पूछा गया था तो चलिए इसका आंसर अच्छा बताइए चलिए इसका आंसर अच्छा होगा ऑप्शन नंबर बी सैगो सैगो पाइनस नहीं प्रोड्यूस होता है ये साइकस से प्रोड्यूस होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ दी फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसिल निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है कौन लिविंग फॉसिल है इसके लिए ऑप्शन ए है सिलेजिनेला ऑप्शन बी साइकस ऑप्शन सी पाइनस एंड ऑप्शन डी आल ऑफ दिस। ये क्वेश्चन पीजीटी बॉटनी 2011 में पूछा गया था तो चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग क्या हो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी साइकस साइकस को लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए कमेंट करिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को शेयर करिए और प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करिए साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे आपके पास मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके धन्यवाद